तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग दिशा दूरी से संबंधित सवाल देखेंगे। तो पार्ट वन में हमने देखा था कल जो जानकारी दी गई जानकारी के आधार पे हमें दिशा बतानी रहती थी, आज हम लोग देखेंगे कि दी गई जानकारी के अनुसार हमें दूरी बतानी होगी। तो पहले दिशा जो जो होती है दिशा बना लेंगे फिर बनाएंगे। तो हमें कल बताया था मैंने कौन कौन सी दिशा होती है। मुख्य दिशाएँ चार होती हैं, उत्तर और ये यहाँ पूर्व, दक्षिण और ये रहेगा हमारा पश्चिम। और जो दो दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है उसको हम लोग बोलते हैं उप दिशा। तो उत्तर और पूर्व की जो बीच वाली दिशा, उत्तर पूर्व की जो बीच में दिशा होगी वो होती है उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं उसे। और पूर्व दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को बोलेंगे दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा। और उत्तर पश्चिम को उत्तर पश्चिम ना। अब सवाल लगाएंगे तो दिशा बना दिए ताकि जब जो बोला जाएगा उसी के आधार पे देख देख के बनाएंगे जिस दिशा में बोलेंगे। तो सवाल पहले ऑप्शन लिख दे रही हूँ ना, तब उसके बाद बनाते हैं सवाल। सवाल नहीं लिखेंगे, बस ऑप्शन लिखेंगे, सवाल पढ़ पढ़ के बताएंगे। तो अब सवाल पढ़ेंगे और बनाएंगे सवाल को। तो यहाँ जैसे दिया है पहला सवाल, इसमें बोल रहा है एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। तो हमें पता है पूर्व ये दिशा है, तो उसी तरफ इस तरह इस लाइन बनाएंगे किधर जाता है, पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जा रहा है। फिर उसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, तो उत्तर ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मुड़ेगा, इधर मुड़ गया और 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर और जाता है, ठीक। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो कल मैंने बताया था उत्तर पश्चिम जब बाएं दाएं बोलेगा तो कैसे समझेंगे। तो जैसे अभी उत्तर की ओर जा रहा है तो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े है, हमारा बायां किधर है, इधर है यानी पश्चिम की दिशा में। तो इधर किधर बनेगा, बाईं ओर मुड़ा है इसका मतलब पश्चिम की ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर 40 किलोमीटर वो जाता है ना। अब हमें क्या बताना है, इसमें बताना है उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे ऐसे ए बी सी डी डाल देंगे, ये ए से बी चला, फिर बी से सी, सी से डी। तो दूरी कौन सी हुई, जिस रास्ते से गया है वहीं सारे उन्हीं को हम प्लस कर दे दूरी मिल जाएगी, क्योंकि यही तो पूरा चला हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दूरी पूरी दूरी बताने के लिए दूरी बराबर क्या कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो अब सबका दिया है ए बी बराबर कितना है 40 प्लस बी सी बराबर 20 प्लस सी डी बराबर 40। तो कितना हो जाएगा 40 20 80 और 40 20 60, 60 और 40 100। तो आंसर आ जाएगा हमारा 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो जब इस तरह का सवाल दे रहे हैं दिशा बनाते जाना आपको, जिस दिशा में बोल रहा है और जो दूरी बोल रहा है कितने किलोमीटर चला उस पर लिखते जाना है, और फिर जितना बना है जिस तरह पूरी दूरी पूछेगा तो बस सबको जोड़ देना है हमें बस। तो सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिखा है, सवाल पढ़ के बनाते जाएंगे। तो सवाल में बोल रहा है राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। तो उत्तर दिशा बोर्ड पे किस तरफ बना हुआ है, ऊपर की तरफ। तो उत्तर की ओर राम जा रहा है इस तरह बना देंगे, और कितना जा रहा है 15, तो इस तरह से बना दें 15 मीटर, ठीक, इतना जा रहा है 15 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर, तो जब उत्तर की ओर वो जा रहा है तो उसका दायां कौन सा होगा, इस तरफ होगा, जिधर हमारा दायां है उधर ही होगा। तो दाईं ओर मुड़ता है तो दायां इधर यानी पूर्व दिशा की ओर मुड़ जा रहा है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर 20 मीटर जाता है, मुड़ने के बाद वह 20 मीटर चलता है,
तो इतनी दूर मान लिया 20 मीटर है, बना दिया। ठीक, अब आगे बोल रहा है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब किस दिशा में वो चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है, मैं देख रहा है वहाँ दिशा मैंने बनाई है उसी से देखना है। तो पूर्व दिशा में जब वो मुँह करके, मतलब उसका पूर्व दिशा में चल रहा है, तो उसका दायां किस तरफ होगा? तो पूर्व दिशा में अगर हम मुँह करके खड़े हैं, हमारा दायां किधर जाएगा? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण बोर्ड में किस तरफ है? नीचे की तरफ है, तो दक्षिण की ओर इसका मतलब वो मुड़ा है। ठीक, दाई ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब दाई ओर मुड़ता है तो फिर वो 10 मीटर चलता है। फिर पुनः दाई ओर मुड़ता है। अब 10 मीटर जब चल लिया, उसके बाद वह फिर से दाई ओर मुड़ता है। तो अभी वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो जब हमारा मुंह दक्षिण दिशा में होगा, तो हमारा दायां कौन सा होगा? पश्चिम दिशा में। तो बोर्ड पे पश्चिम दिशा किस तरफ है? इस तरफ है, इसीलिए इस तरफ हम लोग मोड़ेंगे इस तरह लाइन। ठीक, अब दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर से वह 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ तक इसलिए लाया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 20 मीटर ही होगा, इसलिए 20 बोला भी है, इस तरह बना दिया। अब पहले नाम लिख देंगे यहाँ सब। इसका मान लेते हैं ए से बी, और बी से सी, सी से डी, डी से ई, इस तरह से नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें बताना है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो पहले यहाँ पे हमें देखना है प्रारंभिक स्थान उसका क्या था, ए पर, यानी बिंदु ए पर का। अभी वो कहाँ पहुँचा है? अंतिम बिंदु वही होगा, तो वो पहुँचा है ई पर ना भी। तो ए से ई, तो हमें क्या बताना है? प्रारंभिक से अंतिम दूरी, यानी प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच में जितनी दूरी होगी वो उतनी दूरी पर है वो। तो यहाँ पे ए से बी तक पूरा कितना है? 15 है। और डी से सी तक कितना है? 10। तो ई से बी कितना होगा? 10 ही होगा, ये दोनों बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 10। तो अब हमें क्या करना है? ए से ई तक बताना है, तो हम क्या कर दें? पूरा जितना है, पूरी दूरी जितनी है, यानी ए से बी तक जितनी दूरी है उसमें से बी से ई तक की दूरी को माइनस कर दे, तो ए से ई तक की दूरी हमें मिल जाएगी। तो ए से ई, ए ई बराबर हमारा हो जाएगा ए बी माइनस बी ई ना। तो ए बी कितना है हमारा? पूरा जो है 15 मीटर है, तो 15 माइनस बी ई कितना है? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 15 में से 10 माइनस करेंगे 5 मीटर, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5 मीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं, अब सवाल बनाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे आंसर। तो बोल रहा है मानसी ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चली। तो बोर्ड पे उत्तर किस तरफ है? ऊपर की ओर। तो लाइन कैसे बनेगी? इस तरह ऊपर की ओर, और कितना चली है? 40 मीटर। तो 40 मीटर लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। तो अगर उत्तर की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो हमारा बायां किधर होगा? हमें पता है पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो बाएं ओर मुड़ी, तो बोर्ड में पश्चिम किस तरफ है? इस तरफ है, तो हम ऐसे बोर्ड में पश्चिम बना देंगे ना। और पश्चिम की ओर मुड़ी और 30 मीटर चली। तो पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद 30 मीटर चली, तो ये मान लिया 30 मीटर ना। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ी। तो जब उस पश्चिम की ओर मुंह करके चल रही है तो उसका दायां किधर पड़ेगा? हमें पता है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं तो दायां किधर जाएगा? उत्तर दिशा में। और बोर्ड पर उत्तर दिशा किधर है? ऊपर है, तो ऊपर ऐसे बनाएंगे यहाँ से इधर ना। दाई ओर मुड़ी और 50 मीटर चली। मुड़ने के बाद कितनी दूरी चली है उसने? 50 मीटर। तो मैंने यहाँ बना दिया, हमें ये देखना है जो दिशा दूरी जितना बोला उस हिसाब से बनाना है। जैसे जो बड़ी दूरी है उसका थोड़ा बड़ा बनाना है, जो छोटी है उसको थोड़ी छोटी बनाना है बस। अब इतना बन गया, उसके आगे सवाल में बोल रहा है फिर वह पुनः दाएं मुड़ी। तो अभी किस तरफ जा रही है? अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किस तरफ है उसका मुँह? उत्तर दिशा में है। तो जब उत्तर दिशा की तरफ मुँह रहेगा तो उसका दाएं किधर पड़ेगा? पूर्व दिशा में। ठीक, अब पूर्व दिशा इसका मतलब किधर मुड़ेगी? पूर्व की ओर। इतना मोड़ दिया, अब देखेंगे कितनी दूरी चली है। मुड़ी और 30 मीटर चली।
तो मुड़ने के बाद कितना चली है? 30 मीटर। यहाँ लिख देंगे 30 मीटर ना, क्योंकि इसके बराबर ही रहेगा ना, यहाँ भी 30 मीटर गई है, यहाँ भी 30 मीटर, इसीलिए दोनों को बराबर ही बनाएंगे। अब हमें बताना है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो उसका प्रारंभिक बिंदु क्या था? ये था। तो नंबर दे देते हैं, ए, फिर ए से बी, उसके बाद बी से सी, सी से डी, डी से ई तक आई है। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। तो हमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी बतानी है। तो इसको क्या, ये दोनों बराबर दूरियाँ हैं और यहाँ पे ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ अगर हम मिला दें तो हमें मिल जाएगा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, इस तरह से ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, किसको मिला दिया यहाँ पे लाके, ई से बी तक को भी मिला देंगे। अब ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो हम क्या करें, ए से बी टोटल दूरी हमें, तो इधर यहाँ भी देखना है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो एक आयत बन रहा है, आयत में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगी, तो ये 50 ये भी हो जाएगी हमारी 50 मीटर। ठीक, अब हमें क्या बताना है, ये दूरी कौन सी बतानी है, ए से ई तक की दूरी हमें बतानी है, ए से ई तक की दूरी। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, अब रख देंगे मान, तो ए बी कितना है, ए से बी तक की जो दूरी है उसकी जगह वो लिखेंगे, कितनी है 40 मीटर। तो ए से बी तक के एक और बी की जगह पे क्या लिख देंगे, 40, प्लस बी से ई, बी से ई तक की दूरी कितनी है 50, तो बी से बी ई की जगह पे हम लोग लिख देंगे 50। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 और 50 90 मीटर हमारी दूरी आएगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 90 मीटर। तो अब हम लोग चौथा सवाल देखेंगे, तो यहाँ ऑप्शन फिर से लिखा है, अब सवाल पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो बोर्ड पे दक्षिण जिस दिशा में है उधर ही बनाएंगे, तो दक्षिण नीचे की तरफ है तो ऐसे नीचे लाएंगे एक लाइन। ठीक, और कितना चलता है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कितना है 10 किलोमीटर। तब वह अपनी दाईं ओर घूमता है, तो जब दक्षिण की ओर मुंह करके कोई चल रहा है तो उसका दायां किधर होगा, जिधर होगा हमारा, तो दायां किस तरफ है, इस तरफ है, तो दक्षिण में चल रहा है तो दायां किधर पड़ेगा, पश्चिम दिशा की ओर, तो पश्चिम दिशा बोर्ड में इस तरफ है, इस तरफ मुड़ेंगे तो इधर, यानी इस तरफ मुड़ गया वो, और कितनी दूरी चलता है, घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद वह फिर अपनी दाईं ओर घूमता है, तो अभी वो किस तरफ चल रहा है, हमें दिख रहा है पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, तो फिर से वो किधर घूम रहा है, दाईं ओर, तो जब पश्चिम की ओर हमारा मुंह है तो दायां कौन सा होगा हमारा, उत्तर की ओर, तो हम फिर उसको किधर मोड़ेंगे, उत्तर दिशा की ओर मोड़ेंगे, इधर दाईं ओर घूम जाता है 10 किलोमीटर चलता है, तो फिर से वो 10 किलोमीटर चलता है दाईं ओर घूमने के बाद 10 किलोमीटर। तो नाम यहाँ दे देते हैं ए बी सी डी, तो हमें बताना है आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम दूरी कितनी होगी। तो जब अल्पतम बिंदु, ये इसका आरंभिक दूरी है, ये इसकी आरंभिक बिंदु दूरी है और बिंदु है, और ये अंतिम बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, पूरी दूरी नहीं पूछ रहा है कि सबको जोड़ देना, आरंभिक से अंतिम बिंदु तक बोल रहा है, तो उन्हीं दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे और उनके बीच की दूरी को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं ए और बी, ए से बी तक कितनी दूरी है 10, डी से सी तक की दूरी 10, तो ये कैसा क्या बना, आयत बना, आयत में ही ऐसा होता है, दो भुजाएं आमने सामने की जो भुजा होती है वो समान होती है, तो ये आपस में जब 10 समान है तो ये दोनों भी आपस में समान होंगी, तो बी सी डी बराबर कितना है, सी डी बराबर है हमारा 15 किलोमीटर,
तो डी ए बराबर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर, ये भी हो जाएगा, बस इस तरह से करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो हम लोग पांचवा सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे सवाल में बोल रहा है संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, तो यहाँ पे दिशा नहीं बता रहा है, तो जब दिशा नहीं बताएगा तो अपने हिसाब से कोई भी दिशा में हम लोग बना देंगे, और फिर जब बायां दायां बोलेगा तो जिस दिशा में हम बना रहेंगे उसी से देखेंगे। तो यहाँ पे ए से बी तक सीधा जाती है, तो ए से बी मैंने मान लिया इतना बना दिया, ए ये रहा और बी, तो इधर से इधर बनाए, इसका मतलब पूर्व की ओर जा रही है। और ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। ए से बी तक दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, तो इसको लिख देंगे 2 किलोमीटर। फिर वह 90 पर बाई ओर मुड़कर, तो 90 पर उसने बोला 90 पर, तो 90 का मतलब एकदम सीधा ही जाएगी यहाँ से, बी से बाई ओर मुड़ेगी, पहले ये देखना है। तो अगर बी से बाई ओर मुड़ रही है, तो अगर हमारा मुंह पूर्व दिशा में है तो हमारा बायां किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। तो यहाँ पे उत्तर दिशा बोर्ड में ऊपर की ओर है, और 90 बोला है तो एकदम सीधी लाइन ही जाएगी। अब फिर उसके बाद बाई ओर मुड़कर 90 पर बाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है, तो बाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, यहाँ तक मान लिया 8 किलोमीटर सी तक, ये हो गया बिंदु सी। वहाँ से वह फिर 90 बाई ओर मुड़ती है मुड़कर, तो जब उत्तर की ओर जा रहे हैं, हमारा मुँह अगर उत्तर की ओर है तो हमारा बायां किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा। और तो इधर और 90 जा रहे हैं, इसका मतलब फिर से सीधी लाइन जाएगी। तो पहले जिधर मुड़ गई उसको बना देते हैं, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। बाईं ओर मुड़ती है मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है, डी तक चलती है और 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर डी तक, ठीक। फिर वहाँ से 90 पर बाएं मुड़ जाती है, तो अभी किस दिशा में जा रही है, अभी इसका मुँह किधर है, पश्चिम दिशा में। तो जब मुँह हमारा पश्चिम दिशा में रहेगा तो हमारा बायां किधर होगा, उत्तर की, नहीं हमारा बायां होगा दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर मतलब बोर्ड में जिस तरफ दक्षिण है उधर ही बनाएंगे, तो नीचे दक्षिण होता है, इसका मतलब इधर मुड़ी है, ठीक। इतना कर दिया, फिर करना है मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है, यहाँ मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है यहाँ से यहाँ तक, और ई तक पहुँचती है, तो यहाँ बना देंगे ई, ठीक। और ये दूरी है 8 किलोमीटर, ये हो गया। और फिर उसके बाद बताना है इसमें ए से ई तक की कितनी दूरी है, ए से ई तक, तो ए यहाँ पे है, ए नीचे ऐसे बना देते हैं, ये ए है और यहाँ पे ई है, हमें ये दूरी बतानी है। तो जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, सब 90 पे हैं और आपस में दो भुजाएं बराबर है, तो आयत होगा। तो ये दोनों अगर आप, तो आयत में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है जो आमने सामने की होती हैं। तो ये दोनों 8 किलोमीटर हैं, तो ये दोनों कितनी होगी 5, तो डी से सी तक 5 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ई से बी तक भी 5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बना लेंगे 5 किलोमीटर होगा, ठीक। और ए से बी तक की दूरी हमें पता है, यहाँ पे बताया 2 किलोमीटर है, तो ई से ए तक की दूरी की पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, पूरी जो टोटल दूरी है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें बताना है ई से ए तक, तो ई ए बराबर हो जाएगा ई बी, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेंगे, तो ई बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ई बी, माइनस किसको करना है, ए बी को, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी। अब जिसकी जगह रख देंगे ई बी बराबर कितना है, पूरा जो है ई बी है, तो ई बी की जगह पे लिखेंगे 5 किलोमीटर, माइनस ए बी बराबर कितना है 2 किलोमीटर, तो ए बी बराबर लिखेंगे 2 किलोमीटर। अब ए यहाँ पे 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा 3 किलोमीटर। ई से ए तक की दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। तो अब हम लोग छठवां सवाल देखेंगे। तो सवाल में बोल रहा है रोहित बेंगलोर से मैसूर की तरफ जाता है, तो इस तरह बना लेते हैं, मान लिया ये बेंगलोर है और ये
मैसूर है, इधर जा रहा है और कितना जा रहा है देख लेते हैं। मैसूर की तरफ कार चलाता है 80 किलोमीटर के बाद, तो मैसूर की तरफ जब जाता है तो कितनी दूरी तय करता है 80 किलोमीटर, तो यहाँ जाएगा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, तो अभी हम किस दिशा में मैंने बनाया है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो अगर हमारा मुँह पूर्व दिशा की ओर है तो हमारा दायां कौन सा होगा, दक्षिण की ओर, तो दायां किधर आएगा, नीचे, यानी दक्षिण बोर्ड में नीचे है इसीलिए नीचे की ओर यानी दक्षिण में मुड़ जाता है, दाईं ओर दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद कितनी दूरी चलता है, 50 किलोमीटर, तो इसको मान लिया मैंने ये है एन, ठीक। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, अब यहाँ तक आने के बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है, अभी किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, तो जब दक्षिण दिशा की तरफ हमारा मुँह रहेगा तो हमारा दायां किधर होगा, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम बोर्ड में इस तरफ है, इस तरफ इसका मतलब मुड़ा होगा, ठीक। दाएं मुड़ जाता है और 70 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ जब दाएं मुड़ते हैं तो 70 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे बना लेते हैं पी है मान लीजिए, अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है, तो अभी किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो जब हमारा मुंह पश्चिम दिशा में होगा तो उसका मतलब दायां किधर होगा, उसका उत्तर की ओर, तो उत्तर बोर्ड में किधर है, ऊपर, तो उत्तर इधर है यानी दाएं मुड़ गया है। दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर फिर चलता है, दाएं मुड़ने के बाद वह फिर से 50 किलोमीटर चलता है, तो ये 50 है ये भी 50, तो दोनों बराबर ही रहेंगे इसलिए बराबर बनाया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, क्यों है, ठीक। अब हमें बताना है, यह बताइए कि रोहित अब बेंगलोर से कितनी दूर है, तो अभी वो यहाँ पे पहुँचा है और चला कहाँ से था, यही बेंगलोर से, तो हमें कौन सी दूरी बतानी है, ये क्योंकि बेंगलोर से कितनी दूरी पर है ये बताना है, तो हमें किसकी दूरी बतानी है, बी क्यू के बीच कितनी दूरी है, तो हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है ये पूरी 80 है, यहाँ यानी बी से एन तक की दूरी कितनी है, 80, और अगर हम क्यू से एन तक की दूरी, जैसा कि हम कई बार देख चुके हैं इसका आयत बन रहा था, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तो ये भी 70 किलोमीटर, यानी क्यू से एन के बीच भी तो 70 है, तो हमें क्या बताना है, B से Q, तो यानी जो पूरे में से, यानी B से M में से माइनस, B M में से Q M को माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस हमें बताना है बी क्यू बराबर क्या बताना है, माइनस करना है बी एम माइनस क्यू एम ना, तो बस रख देना है बी एम बराबर, बी एम मतलब पूरा जो पूरी जो दूरी है, तो कितनी है वो 80 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 80 किलोमीटर माइनस क्यू एम की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 70 किलोमीटर बराबर 80 माइनस 70 कितना आएगा 10 किलोमीटर, तो बी से क्यू तक की दूरी कितनी आ गई 10 किलोमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो अब हम लोग सातवां सवाल देखेंगे, सातवें सवाल में बोल रहा है एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो इसके लिए हम पहले दिशा बनाए क्योंकि उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है, उप दिशा है, तो पहले हम लोग बना लें यहाँ पे दिशाएं जो भी हैं, मुख्य दिशा बना लें, ये होगा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इसके लिए इस तरह बना लिए। अब हमें यहीं से बस समझना है, जैसे उत्तर पूर्व बोला तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूर्व की जो बीच की दिशा होगी उप दिशा, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तर पूर्व, तो जो बोल रहा है वैसे ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बनाएंगे उत्तर पूर्व की ओर यहाँ तक 3 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, तो दक्षिण पूर्व ये है तो यहाँ पहुँचा है, तो दक्षिण पूर्व किधर आएगा, इधर आएगा ऐसे ना, तो ये दक्षिण पूर्व होगा और 4 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी ना, ये लाइन अगर बना है तो इसके समांतर जो लाइन आएगी वही होगी दक्षिण पूर्व दिशा, तो ये 4 किलोमीटर फिर चलता है यहाँ पे।
आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे ए ये आरंभिक स्थान था, बी जहाँ पहले पहुँचा था, सी अंतिम स्थान जो है इसका। तो आरंभिक से अंतिम तक पूछा है तो इस तरफ बन गया। और हमें पता है जो दो मुख्य दिशाएं आपस में 90 डिग्री पर होती हैं, दो उप दिशाएं भी आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच कितना कोण होगा 90, इसी तरह से इन दोनों के बीच कितना कोण होगा 90। तो इन दोनों के बीच अगर 90 है, इन दोनों को जो मुख्य उप दिशा बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पे भी इनके बीच कौन कितना होगा 90। तो जब इस तरह का होगा ये सूत्र, तो जो 90 डिग्री के सामने जो आधा जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या लेंगे मानेंगे कर्ण होती है, और बाकी दोनों में से एक को आधार एक को लंब मानेंगे। तो यहाँ पे ऐसे तो सूत्र होता है पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना। तो यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा एसी, तो एसी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर, मान लिया लंब कौन सी है एबी, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर आधार जो है बीसी स्क्वायर। अब यहाँ पे रख देंगे मान एबी बराबर कितना है, एबी बराबर हमारा है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बीसी बराबर कितना है 4, तो हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रख देंगे 3 3 का 9 प्लस 4 4 का 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ ए सी स्क्वायर है, हमें बताना क्या है ए सी बताना है, तो ए सी स्क्वायर तो 25 किसका स्क्वायर होता है वर्ग होता है 5 का, तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5 किलोमीटर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब हम लोग आठवां सवाल देखेंगे, तो आठवां में बोल रहा है बिंदु के बिंदु एल के उत्तर में 7 मीटर है, तो उत्तर किधर है ऊपर है, तो कौन उत्तर में है उसको ध्यान से करना पड़ेगा। बिंदु के एल के उत्तर में है, इसका मतलब एल किधर होगा दक्षिण में होगा, और इसके उत्तर में हो जाएगा बिंदु के यानी ऊपर होगा के, कितने मीटर है 7 मीटर दूरी पर है, 7 मीटर दूरी पर। फिर उसके बाद बिंदु L बिंदु M के पश्चिम में है, L पश्चिम में है किसके है M के, तो M किधर जाएगा पूर्व दिशा की ओर जाएगा तभी पश्चिम में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा M जाएगा M, और कितने मीटर पर है 13 मीटर दूरी पर है, 13 मीटर दूरी पर है। फिर उसके बाद बिंदु N बिंदु M के उत्तर में है, बिंदु N जो है वो उत्तर में है किसके M के, तो N किधर जाएगा ऊपर जाएगा, तो मुख्य दिशाएं बोल रहा है, तो हमें पता है मुख्य दिशाओं के बीच में कितना कोण होता है 90 अंश, तो इसीलिए सबको 90 अंश, और दिशा सीधा बोला ना मुख्य लाइन टेढ़ी इधर उधर बनाएंगे तो दूसरी वो उप दिशाएं हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मुख्य दिशाएं ही बोला इसीलिए सीधी सीधी लाइन बनाएंगे हर जगह। तो यहाँ पे बिंदु N क्या है बिंदु M के उत्तर में, तो M कहाँ पर आएगा, N कहाँ पे आएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद तथा बिंदु K के पूर्व में है, तो देख N यहाँ पर है और K यहाँ पे, तो K के लिए N किस दिशा में है पूर्व दिशा में है, यहाँ से दिख रहा है तो ये बन जाएगा ना। और अब इसमें हमें बताना है बिंदु N तथा बिंदु K के बीच में कितनी दूरी है, इसकी दूरी कितनी है। जैसा कि कई बार सवाल आया आयत है, क्योंकि सब 90 पे है, और आयत की दो भुजाएं जो आमने सामने की होती हैं वो बराबर होती है, तो इसकी दूरी पूछा है हमें, और इसकी ये दोनों आपस में क्या है आमने सामने ये दोनों भुजाएं हैं, ये 13 मीटर है, तो ये भी हमारी क्या होगी 13 मीटर ही होगी। तो K से N तक की दूरी कितनी हो जाएगी 13 मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 मीटर। तो अब हम लोग नौवां सवाल देखेंगे, तो नौवां सवाल में बोल रहा है कमल उत्तर दिशा की उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बना लेते हैं उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, तो ये हो गया ये मान लिया हो गया हमारा 10 किलोमीटर, तो ये बन गया 10 किलोमीटर।
वहाँ से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। तो पहले यहाँ नाम देते हैं, ए से मान लिया चला था, ए से बी तक गया तो कितना मिला, 10 किलोमीटर इसकी दूरी थी, 10 किलोमीटर पूरी दूरी। अब वहाँ जहाँ ये पहुँचा, अभी कहाँ पहुँचा है कमल, बी बिंदु बी पर पहुँचा है, तो यहीं से वापस होगा और किधर जाएगा, दक्षिण, तो दक्षिण दिशा से ये यहाँ यहीं से वापस होगा और कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में जा रहा है और कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो यहीं से हमें इसको वापस लाना है और कहाँ तक लाना है, मान लिया यहाँ तक है 6 किलोमीटर यहाँ तक की दूरी, और इसको मान लेते हैं बिंदु सी है, ठीक। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो अभी किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा की तरफ अगर हमारा मुंह है तो हमारा पूर्व किधर, पूर्व में दिख रहा है इधर होगा, दिख यहाँ पे जैसे बना है, ये दक्षिण है, पूर्व किधर है, इस साइड में है, तो हमें पूर्व की ओर उसे ले जाना है और कितना, 3 किलोमीटर। तो सी यहाँ पे, सी थोड़ा ऊपर, यहीं से जाएगा इधर और कितना जाएगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इसको मान लेते हैं डी है, बिंदु डी। तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी तक पहुंचा, तो मूल बिंदु कौन है, जहां से वो चला था उसको हम लोग मानेंगे, ये मूल बिंदु होगा। तो मूल बिंदु से अंतिम दूरी जो है उसको बतानी है, तो क्या करें, इसको यहां से यहां मिला दें। जब इसको यहां से यहां मिला देंगे, और हमें ये भी पता है, जैसा कि यहाँ देखें दो दिशाओं के बीच में कितना कोण होता है, 90 अंश का, तो यहाँ पे भी ये पूर्व है, ये दक्षिण, यहाँ पे उत्तर दिशा में दक्षिण में आया था, तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच कितना कोण हुआ, 90, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, जो दूरी है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, कर्ण। तो यहाँ पे वही पाइथागोरस का फिर से लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसे भी चाहिए, मान लिया ये आधार है, आधार हमें पता है, लेकिन लंब हमें चाहिए, तो लंब कैसे मिलेगा, जैसे कि यहाँ हमें पता है ए से बी तक पूरी दूरी कितनी है, 10 है, तो बी ए से सी तक, और बी से सी तक हमें दिया गया 6 है, तो बी से सी तक, ए से सी तक कितना होगा, पूरे में से इसको माइनस कर दें हमें ए से सी तक की दूरी मिल जाएगी, तो ये पूरा 10 है, तो 10 में से अगर 6 माइनस कर दें कितना बचेगा, 4, तो इसका मतलब ए से सी तक की बीच, सी तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक। अब पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि हमें लंब मिल चुका है, आधार मिल चुका है, कर्ण निकालना है हमें, तो हो जाएगा, अब सूत्र नहीं लिखेंगे, AD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब CD कितना है, CD जितना है उसको रख देंगे, CD कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर से रख देंगे, 3 3 का 9 प्लस 4 4 16, और हमारा हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 25 जोड़ेंगे तो। अब AD स्क्वायर में है, लेकिन हमें क्या बताना है, AD बताना है, तो ये किसका स्क्वायर है वो हमें बताना चाहिए, यानी किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग, 25 का वर्ग मूल क्या होता है, 5, तो AD बराबर हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5 किलोमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस।